10 inverse x minus 10 inverse y is equal to 10 inverse x minus y upon 1 plus xy. If x is greater than 0 and y is greater than 0, explain above result. तो मैंने क्या किया कि 10 वर्स x को क्या मान लिया थीटा 1, ध्यान से देखिए इसे थीटा 1, एंड 10 वर्स y को क्या माना थीटा 2, 10 वर्स y क्या है थीटा 2। अब हमें दिया क्या है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे ये भी लिखना चाहिए x ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई थीटा 1 मस्ट बी एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई बाय 2, and y is also greater than 0, that's why theta 2 is also element of 0 open to pi by 2 open. ठीक है, tan of theta 1 minus theta 2 निकालना है, that's why मैंने क्या निकाला, tan of theta 1 minus theta 2 एक आसान सा ट्रिक रिजल्ट है, ये कितना आएगा tan theta 1 minus tan theta 2 upon 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये कितना आ जाएगा x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इतना आ गया। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है यहां से स्टार्ट होती है कि ध्यान से समझिए, इफ थीटा 1 इज एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई बाई 2, थीटा 2 इज एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई बाई 2, तो व्हाट अबाउट थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 मेरे पास कैसा आएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये भी कैसा आएगा माइनस पाई बाई 2 ओपन टू पाई बाई 2 ओपन। कंसंट्रेट करिए, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये मैक्सिमम हो ये मिनिमम हो, ये मिनिमम हो 0 हो, ये माइनस पाई बाई 2 की ओर अप्रोच कर रहा हो तो माइनस पाई बाई 2 अप्रोच करेगा, और ये जब थीटा 1 पाई बाई 2 और थीटा 2 0 की ओर अप्रोच करेगा तो थीटा 2 की पाई बाई 2 की ओर अप्रोच करेगा। तो बिकॉज थीटा 1 इज एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई बाय 2, थीटा 2 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ 0 ओपन टू पाई बाय 2 ओपन, दैट्स व्हाई थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन। इसे ढंग से सोचना चाहिए हमें, ध्यान से देखिए, थीटा 1 मेरे पास कैसा है, जब थीटा 2 थीटा 1 किस तरफ जा रहा हो पाई बाय 2 मैक्सिमम वैल्यू की ओर जा रहा हो, थीटा 2 0 की ओर जा रहा हो तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 पाई बाय 2 की ओर जाएगा, और जब थीटा 1 0 की ओर जाएगा और थीटा 2 पाई बाई 2 की ओर जाएगा तो ये माइनस पाई बाई 2 की ओर जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं 10 वर्स 10 वेरिएबल का ग्राफ देखता हूं, 10 वर्स 10 वेरिएबल आई थिंक ये आसान है, 10 वर्स 10 वेरिएबल को देखें तो 10 वर्स 10 वेरिएबल कैसा है, पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड पाई, और इसका नेचर कैसा आता है, इस टाइप से आता है, ऐसे लाइन्स आती है, एंड ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये पॉइंट कितना होता है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये कितना आता है पाई बाई 2 और ये पाई है। तो 10 वर्स 10 वेरिएबल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में कैसा होता है, y इक्वल टू वेरिएबल जैसा होता है, y इक्वल टू वेरिएबल जैसा होता है, लाइक तो और पाई बाई 2 से आगे ये वेरिएबल माइनस पाई होता है, लेकिन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में ये वेरिएबल होता है, ये जो डेफिनेशन है इसकी, ये वेरिएबल होगी इफ वेरिएबल इज एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन। कंसंट्रेट करिए, मेरे पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसमें लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो अगर मैं इसका 10 इनवर्स लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 10 थीटा 1 माइनस थीटा 2, और क्योंकि थीटा 1 माइनस थीटा 2 किस में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में लाई कर रहा है, दैट्स वाई ये 1 प्लस एक्स वाई, इसको कैसे ओपन होगा, ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 ही ओपन होगा। ठीक है ना, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ही ओपन होगा, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन्स 10 वर्स एक्स माइनस 10 वर्स वाई कितना आ जाएगा, 10 वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, आसान रिजल्ट है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए जब मेरे पास 10 वर्स x प्लस 10 वर्स y में भी जब x और y के साइन अपोजिट होंगे तो इस रिजल्ट की हम हेल्प लेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है तो 10 वर्स x माइनस 10 वर्स y कितना रहता है, 10 वर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई,
10 was x minus 10 was y is equal to 10 was x minus y upon 1 plus xy when x is greater than 0, y is greater than 0. काफी यूजफुल रिजल्ट है, याद करना है हमें. मतलब जब 10 was x plus 10 was y में भी यही काम देगा जब x और y के साइन डिफरेंट होंगे, और उससे 10 was minus x करके हम इसमें अप्लाई कर लेंगे. ओके, वो समझ आ जाएगा. ये काफी काम का रिजल्ट है, ढंग से याद करना चाहिए. 10 was x minus 10 was y कितना है? 10 was x minus y upon 1 plus xy when x is greater than 0, y is greater than 0. Although इसके डिफरेंट केसेस और भी पॉसिबल हैं, लेकिन वो भी अलग जगह कवर हो जाते हैं. लेकिन x greater than 0, y greater than 0 के लिए ये necessarily 10 was x minus 10 was y कितना आता है? 10 was x minus y upon 1 plus xy. ठीक है?